अटल जी के अंतिम संस्कार में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया पाकिस्तान। भारत के घाव कुरेदने का मामला सामने आया है। वाजपेयी जी की अंत्येष्टि में पाक ने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा था उसमें मुंबई हमले के गुनहगार डेविड हेडली का भाई भी शामिल था। वाजपेयी जी की अंत्येष्टि में परसों पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार के कानून और सूचना प्रसारण मंत्री अली जाफर भारत के साथ तीन अधिकारी उनके साथ आए थे, जिसमें से एक डेनियल गिलानी भी था जो डेविड हेडली का भाई है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले की साजिश करने वाला आतंकी डेविड हेडली और डेनियल हेडली हाफ ब्रदर हैं। दोनों के पिता एक ही थे मगर माँ अलग अलग है। डेनियल हेडली पाकिस्तान सिविल सेवा के अधिकारी है। पाकिस्तान यात्रा पर गए पंजाब सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कल शाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की। कार्यभार संभालने के बाद इमरान को शुभकामनाएं दी। इसके पहले इमरान खान की शपथ में गए नवजोत सिंह सिद्धू पाक आर्मी चीफ कमर बाजवा से गले मिले, पीओके के राष्ट्रपति मसूद खान के साथ बैठे। पाक आर्मी चीफ से सिद्धू के गले मिलने पर बीजेपी आक्रामक, पूछा राहुल बताएं उनके नेता को भारत की सेना से ज्यादा पाकिस्तानी सेना पर भरोसा क्यों है। सिद्धू के इमरान के शपथ ग्रहण में शामिल होने को बीजेपी ने बताया शर्मनाक। लुधियाना में शिवसेना ने सिद्धू के पोस्टर जलाए। सिद्धू के पाकिस्तान जाने के विवाद पर बैकफुट पर कांग्रेस, कहा निजी यात्रा में वो क्या करते हैं, इसका पार्टी से कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर का निलंबन रद्द किया, कांग्रेस की सदस्यता फिर से बहाल की। अय्यर को गुजरात चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी करने के कारण कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया था। आज हरिद्वार में प्रवाहित की जाएंगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां। हरिद्वार में आज 11 बजे तक वाजपेयी जी की अस्थियां लेकर पहुंचेगा उनका परिवार। इसके बाद बीजेपी अटल जी की अस्थियों के साथ हरिद्वार में सुबह 11:30 बजे से कलश यात्रा निकालेगी। कलश यात्रा हरिद्वार के भल्ला कॉलेज से शुरू होगी। पहले अस्थि कलश आम लोगों के दर्शन के लिए शांति कुंज हरिद्वार में रखने का कार्यक्रम था जो अब रद्द हो गया है। हरिद्वार में अटल जी के अस्थि विसर्जन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी शामिल होंगे। देश की 100 पवित्र नदियों में होगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन। सभी राज्यों की राजधानियों में होगी सर्वदलीय सभा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की याद में यूपी में 4 स्मारक बनाएगी योगी सरकार। आगरा, कानपुर, बलरामपुर, लखनऊ में बनेंगे स्मारक। लखनऊ में शिया और सुन्नी समुदाय के धर्म गुरुओं ने अटल जी के निधन की वजह से बकरीद को सादगी से मनाने की अपील की है। कार्वी इंसाइट्स और इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक अभी चुनाव हुए तो अपने दम पर बीजेपी को 245 और एनडीए को मिलेगी 281 सीटें। सर्वे के मुताबिक एसपी बीएसपी और ममता के यूपीए में शामिल होने के बाद त्रिशंकु संसद के आसार, अन्य की भूमिका हो जाएगी बेहद अहम। सर्वे के मुताबिक अगर एसपी बीएसपी ममता यूपीए में गई तो एनडीए को 228 और यूपीए को 224 सीटों का अनुमान। एक तीसरा अनुमान ये कहता है कि एनडीए में एआईएडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस के आने से आंकड़ा 255 तक हो सकता है। ऐसी हालत में यूपीए को 242 सीट मिलने का अनुमान। सर्वे के मुताबिक देश में 49% लोगों के मुताबिक मोदी सबसे लोकप्रिय नेता, राहुल को 27% लोग करते हैं पसंद। कार्वी इनसाइड और इंडिया टुडे के सर्वे में देश में 46% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी हो सकते हैं मोदी से बेहतर विकल्प। महज 8% लोगों की पसंद ममता। दिल्ली में कांग्रेस के वॉर रूम में हुई कांग्रेस की अहम बैठक। राहुल की बुलाई बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। राफेल डील पर मोदी सरकार को घेरने के लिए और साल के आखिर में होने वाले 3 राज्यों के चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए कांग्रेस की बैठक। भ्रष्टाचार के आरोपों पर मोदी सरकार के खिलाफ अगले 30 दिनों तक कांग्रेस का जन आंदोलन करने का ऐलान। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने तिरुमला के वेंकटेश्वर मंदिर में राहुल गांधी के लिए दुआएं मांगी, कहा केंद्र में बदलाव चाहता है देश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का विवादित बयान, कहा जो पार्टी फेक न्यूज प्रचारित करेगी और ज्यादा पैसा खर्च करेगी वही 2019 में जीत दर्ज करेगी। एमपी में कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने दोबारा वैश्या से की पीएम सीएम शिवराज की तुलना। राजस्थान में सीएम वसुंधरा राजे की सुराज यात्रा के जवाब में 24 अगस्त से संकल्प रैली करेगी कांग्रेस। चित्तौड़गढ़ से होगी संकल्प रैली की शुरुआत।
लखनऊ में पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बन रहे होटल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हाई सिक्योरिटी जोन में बन रहे होटल पर योगी सरकार से भी मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A को लेकर तेज हुई राजनीति। याचिका पर सुनवाई के खिलाफ अलगाववादियों का 26 और 27 अगस्त को बंद का ऐलान। दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी ने दिल्ली में की मुजफ्फरपुर और देवरिया जैसे शेल्टर होम्स होने का दावा। बिहार के मुजफ्फरपुर कांड पर लगातार हो रही सियासत। तेजस्वी यादव कर रहे हैं सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग। केरल में बाढ़ बारिश से अब तक 357 लोगों की मौत। युद्ध स्तर पर तीनों सेनाएं और एनडीआरएफ की टीमें बचाव काम में जुटी हैं। केरल में हो रही भारी बारिश में आएगी कमी। कोच्चि, कन्नूर, कोझिकोड और त्रिशूर में हल्की से मध्यम बारिश बनी रहेगी। केरल के बॉर्डर पर बसे तमिलनाडु के शहरों में भी बाढ़ और बारिश का कहर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भूस्खलन के चलते हाईवे पर लगा लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम। कोच्चि के कुनामावा इलाके में घरों में घुसा पानी। मछुआरे नाव के जरिए फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं। केरल के चेंगूर में बाढ़ से भारी तबाही। इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। केरल के पलक्कड़ में भूस्खलन और बारिश से 10 लोगों की मौत हो गई है। यूपी सरकार ने केरल बाढ़ राहत कोष के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया। सूरत में करीब 3.5 करोड़ के पुराने नोटों के साथ 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक मकान से मां और बेटे का शव मिलने से मची सनसनी। हत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं। विदेश में नौकरी का झांसा देकर रुपए ऐंठने वाले बंटी बबली को दिल्ली पुलिस ने हैदराबाद एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बाइक सवार दो बदमाश कई राउंड फायरिंग कर फरार हो गए। बताया जा रहा है इलाके में 2 गुटों में चल रहा है विवाद। दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉन के नाम से मशहूर 62 साल की बशरीन को गिरफ्तार किया। परिवार में कुल 113 केस दर्ज। यूपी के बलरामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश पकड़ा गया। पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले 4 लोग अवैध हथियार ले जाते हुए धरे गए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पिता और उसके दोस्तों पर अपनी बेटी से रेप के आरोप लगे हैं। खुलासे के बाद पिता ने पिया जहर। अस्पताल में भर्ती, 2 गिरफ्तार। पीलीभीत में दबंगों ने दलित लड़की का अपहरण कर लिया। जब लड़की के चाचा ने विरोध किया तो दबंगों ने चाचा को पीट पीट कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के संभल में खनन माफियाओं ने एक शख्स की हत्या की। पीड़ित परिवार ने हत्या का शक बीजेपी नेता पर जताया जो इलाके में अवैध खनन कराते हैं। राजस्थान के बयावर में मौत के खेल। ब्लू व्हेल से मौत के मामले ने सनसनी फैला दी है। इस मौत के खेल में एक मासूम छात्रा की जान चली गई। उज्जैन में साइकिल सवार लड़की को कार सवार ने टक्कर मारी। बाल बाल बची लड़की की सर में चोट लगी। गुजरात की मेहसाणा में नशे का कारोबार करने वाले एक साधी सहित 4 साधु गिरफ्तार। चरस और गांजा बरामद हुआ। हैदराबाद पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और जबरन धन उगाही करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बिटकॉइन के करोड़ों के काले कारोबार की तफ्तीश कर रही गुजरात की सीआईडी टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। टीम ने इस कारोबार के मुख्य सूत्रधार देवेश दर्जी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। मेरठ में एक छात्रा को घर में घुसकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचलों ने घर में घुसकर हमला बोल दिया। एमपी के बुरहानपुर में 15 अगस्त से लापता हुई बच्ची की लाश नाले के पास मिली। पुलिस को रेप का है शक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें एक पुलिसकर्मी एक लाश को लात मारकर स्ट्रेचर से नीचे उतार रहा है। एसपी ने किया लाइन हासिल। सूरत पुलिस ने करीब 3 करोड़ के पुराने नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के औरैया में पुजारी हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। 14 आरोपियों में से 5 गिरफ्तार। पशु तस्करी का विरोध करने पर की थी हत्या। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 11वीं क्लास के छात्र के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी के मैनपुरी में राशन डीलर की चुनाव प्रक्रिया में मामूली कारसुनी। हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। बचाने आए पुलिस पर भी डंडे पड़े।
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने माना है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली को गेंदबाजी करना सबसे बड़ी चुनौती उसे मानते हैं। हसन अली पाकिस्तान के टॉप गेंदबाज। विराट अभी इंग्लैंड में खेल रहे हैं, लेकिन केरल में आई बाढ़ को लेकर उन्होंने ट्विटर पर लोगों से घरों में रहने और सुरक्षित रहने की अपील की है। कोहली ने सेना और एनडीआरएफ की टीम की तारीफ की। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भी भारत मेडल के लिए दावेदारी पेश करेगा। क्वालिफिकेशन राउंड सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जबकि फाइनल्स दोपहर 3:20 पर। कुश्ती में भारत को पदक की उम्मीद है। 65 किलो भार वर्ग में बजरंग पुनिया उतरेंगे। कुश्ती के 57 किलो भार वर्ग में संदीप तोमर उतरेंगे। क्वालिफिकेशन राउंड दोपहर 12 बजे शुरू होगा, जबकि मेडल वाले मैच शाम 6 बजे के बाद होंगे। दो बार कुश्ती में ओलंपिक पदक जीत चुके सुशील कुमार आज 74 किलोग्राम भार वर्ग में उतरेंगे। 86 किलो में पवन कुमार, 97 किलो भार वर्ग में मौसम खत्री से भी पदक की बड़ी उम्मीदें हैं। महिला हॉकी में आज भारत का मुकाबला इंडोनेशिया से शाम 7 बजे होगा। इस मैच में जीत की दावेदारी भारत की तगड़ी है। संयुक्त राष्ट्र के पहले अश्वेत महासचिव कोफी अन्नान का 80 साल की उम्र में निधन। साल 2001 में उन्हें मानवीय कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के 17वें महासचिव बने थे। जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रहे। सऊदी अरब में हज यात्रियों की सुरक्षा और देखभाल की तैयारियां पूरी। पूरी दुनिया से करीब 16 लाख लोग इस पर सऊदी अरब में हज करने आए हैं। अमेरिका की आर्थिक धमकियों पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन ने कहा, ना झुकेंगे ना डरेंगे, हम अमेरिका को चुनौती देंगे। यूरोपीय देश यूक्रेन में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। पश्चिमी यूक्रेन में सड़कों पर करीब 1 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।